Good morning class. Welcome to your e-learning class. And today I am going to start chapter 9, that is data handling. And now question is arises here, what is data? Students, a data is a collection of numbers gathered to give information. Give some information. Data collection of number है जहां से हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, जहां से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है. एंड नाउ सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज ए नंबर ऑफ टाइम समथिंग हैपन इन ए पर्टिकुलर पीरियड. एक सर्टेन टाइम में, एक सर्टेन पीरियड में कोई भी घटना कितनी बार घटी, कोई भी चीज कितनी बार हुआ, इसकी जानकारी हमें फ्रीक्वेंसी से मिलती है. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज टेलीमार्क. अ फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा कैन बी इजिली रिप्रेजेंटेड यूजिंग टेलीमार्क. फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए हम टेलीमार्क को यूज करते हैं, ताकि हमें उसे पढ़ने, सीखने और देखने में आसानी हो. एंड टेलीमार्क आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल लाइन फॉर द फोर काउंट एंड डायगोनल लाइन फॉर द फिफ्थ काउंट. लाइक जैसे मुझे फॉर फ्रीक्वेंसी वन, फ्रीक्वेंसी वन के लिए वन लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी टू के लिए टू, देन फ्रीक्वेंसी थ्री के लिए थ्री लाइन का यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी फोर के लिए हम फोर लाइन यूज करते हैं, एंड फॉर द फ्रीक्वेंसी फाइव के लिए हम ये सेवेंथ लाइन का यूज करते हैं. दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी फाइव. सो लिसन स्टूडेंट्स, वर्टिकल लाइन हम फोर तक ही यूज करेंगे, फोर तक यूज करते हैं, और फिफ्थ में आके हमें सेवेंथ लाइन लगाते हैं. अगर मान लीजिए हमें 10 फ्रीक्वेंसी को शो करना हुआ, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा. दिस इज फॉर 5 एंड दिस इज फॉर अनदर 5. फ्रीक्वेंसी 10 को हम इस तरह से टेलीमार्क के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. स्टूडेंट, पिक्टोग्राफ. अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द डेटा थ्रू पिक्चर्स of the object. It helps answer the question on the data at a glance. Means किसी भी data को हम यहाँ पे picture के through represent करते हैं, और ये data को पढ़ने में एक झलक पे हम data को जान पाते हैं और समझ पाते हैं. picture के through उसका representation होता है. किसी भी data का pictorial representation कि उसका पिक्टोग्राफ कहलाता है. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 सेज, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स एंड आंसर दिस मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टेलीमार्क. सो स्टूडेंट, हियर फ्रॉम द डेटा students get from 1 mark to 9 marks in your mathematics test. Record is, so the 40 students record is mentioned here. So at first we write down the marks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 8. अब जैसे ये रिकॉर्ड आता जाएगा, वैसे ही हम वर्टिकल लाइन टैली मार्क में देते चले जाएंगे. जैसे फर्स्ट 8 है, तो हम 8 के आगे एक वर्टिकल लाइन देंगे, और कब तक वर्टिकल लाइन देंगे? 4 आने तक. पांचवे में एक सलेंटिंग लाइन जाएगी. सो 8, 4, 7,
again 7. Now 1 9 3 4. 1 9 3 4. And now 3 5 8 5. 3 5 8 5. 7 3 4 6. 7 3 4 6. 6 के लिए स्पेस 6. Six seven two nine. 5 1 8 6. 5 1 8 6. 5 6 9 4. 5 6 9 4. 4 5 5 4. 4 अब देखिए 4 में 4 5 again 5 and 4. 4 2 8 6. 4 2 8 6. 2 7 6 6. 2 7 6 and 6. This can we complete the tally mark. And now the number of students is note down here. This one is 2. So write down 2 here. 2 marks gain 3 students. So 3 students gain the 2 marks. And again 3 students gain the 3 marks. 1 2 3 4 5 6 7. 7 students gain 4 marks. And 5 5 plus 1 6. 6 students gain 5 marks. And this is for 6 5 plus 2 7. 7 students gain the 6 marks. And this is 5 5 8 4. And this is your 3. टोटल शुड बी यहाँ पे 40 स्टूडेंट के रिकॉर्ड है, ये 40 आना चाहिए. व्हाट वी गेट 5 8 15 15 plus 6 21 28 28 plus 5 33 33 plus 4 how much 33 plus 4 37 37 plus 4 40. That is your 40. Now, answer the question. Find how many students obtain marks equal to or more than 7. Answer number A. Answer A. Question says, find how many students obtain marks equal to or more than 7. 7 के बराबर और more than 7. कितने students ने marks gain किए? Means 7 ये marks है 8 9. 7 का record क्या है? 5 plus 4 9 plus 3. Students 5 plus 4 plus 3. How much?
12 students gain seven and more than 7 marks. Question number B. How many students obtain marks below 4? 4 से नीचे कितने students के marks आए हैं? मतलब 3, 2, 1 marks किसके किसके आए हैं? 1, 2, 3 marks किसके किसके आए हैं? तो 2 plus 3 plus 3. आंसर बी इज 2 plus 3 plus 3 means 8 students gain below 4. Now students, this is it for today. Till then, keep practicing. Thank you.